अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 9, सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। एंड आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है, दैट इज अबाउट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि गैसेस एक्सपेंड करती हैं हीट करने पर या नहीं करती। हम इस बिहेवियर को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को स्टडी करने से पहले हम एज अ होल गैसेस के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स और एटम्स टाइटली बाउंड होते हैं। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ये एटम्स एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। ये एटम्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ये एटम्स यहाँ वहाँ अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, और ये एटम्स सॉलिड्स के अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर रहकर ही वाइब्रेशन को शो करते हैं। अब स्टूडेंट्स, लिक्विड्स को अगर देखें तो लिक्विड्स के एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से लिक्विड्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। कंटेनर में आगे पीछे वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से इन एटम्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, या इन एटम्स के दरमियान जो सेपरेशन है, वो ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, अब गैसेस को अगर देखें तो गैसेस के दरमियान पाए जाने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से गैस के एटम्स दूर दूर पड़े होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से गैस के एटम्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से गैस के एटम्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है या सेपरेशन है, वो ज्यादा होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे गैसेस के बिहेवियर को कि गैसेस किस तरह से एक्सपेंड करती हैं। स्टूडेंट्स, अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस की थर्मल एक्सपेंशन। थर्म कहते हैं हीट को, एक्सपेंशन मींस साइज में इंक्रीज होना, एक्सपेंड करना। कौन एक्सपेंड कर रहा है? गैसेस। कब? जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट्स, गैसेस की थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है, इसे हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। सपोज हमारे पास एक ग्लास फ्लास्क है, ये बॉटल है, और इसके माउथ पे यहाँ हम एक गुब्बारा इंसर्ट करते हैं। स्टूडेंट, स्टार्ट में अगर आप देखें तो ये गुब्बारा ज्यादा फूला हुआ नहीं है, इसमें ज्यादा एक्सपेंशन आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता बलून, आहिस्ता आहिस्ता ये गुब्बारा एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगा। अब ये एक्सपेंशन क्यों हो रही है? स्टूडेंट्स, यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, यानी हवा मौजूद है। जब हम हीट करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है। दिस हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अब चूंकि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो हैं, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, वो वीक होती हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर पड़े होते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है। सो इन्हें जब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आता है बाय गेनिंग हीट, इन्हें जब हीट मिलती है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी ये फ्रीली मूव तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब ये ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, और मूव करते हुए वो
बलून की इस गुब्बारे की वाल्स के साथ कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, और इस तरह से जो आपका गुब्बारा है ये एक्सपेंड करना शुरू कर देगा। सो स्टूडेंट्स, टेक अ ग्लास फ्लास्क एंड स्नेप अ बलून और इट्स माउथ। हीट द फ्लास्क, द बलून इन्फ्लेट्स बिकॉज द एयर इनसाइड द फ्लास्क एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड एंटर्स द बलून। नाउ लेट द फ्लास्क कूल अगेन, द बलून डिफ्लेट्स बिकॉज द एयर इनसाइड द फ्लास्क कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल्ड। यानी जब हम इसको कूल करेंगे, कूल करने से इन मॉलिक्यूल्स ने जो हीट एनर्जी गेन की थी वो ऐसा ऐसा कम होनी शुरू हो जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी और ये जो बलून है वो दोबारा से डीफ्लेट होना शुरू हो जाएगा। सो इससे क्या कंक्लूजन मिला, हमने क्या सीखा इस एक्टिविटी से कि जब हम गैस को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करती है और जब हम उसको कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को एक सेकेंड एक्टिविटी की मदद से स्टडी करते हैं। ये जो केक बेक किए जाते हैं, इन केक की जो राइजिंग की रीजन है वो भी एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की वजह से है, क्योंकि जो केक की डो तैयार की जाती है उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है और ये सोडा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करता है इनसाइड द डो। और जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं इस डो को, केक को बेक करने के लिए, तो ये गैस एक्सपेंशन को शो करती है जिससे ओवरऑल आपका जो केक है वो एक्सपेंड करता है या राइज कर जाता है। सो व्हेन अ केक इज बेक्ड इट राइजेस, द डो ऑफ केक हैज बेकिंग सोडा, दिस सोडा फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनसाइड द डो दैट एक्सपेंड्स कॉजिंग केक टू राइज ऑन हीटिंग। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस विद द हेल्प ऑफ टू एक्टिविटीज। वेरी फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि अगर हम एक बॉटल लें और बॉटल के माउथ पर एक गुब्बारे को इंसर्ट करें तो स्टार्ट में गुब्बारा एक्सपेंशन को शो नहीं करता, इसके साइज में इंक्रीज नहीं आता, हालांकि यहाँ गैस के एटम्स मौजूद हैं, यहाँ एयर मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने से गैस के एटम्स को एनर्जी मिलती है, क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी स्टूडेंट्स, ये हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि मोशन को सपोर्ट करती है। यानी आप एटम्स ज्यादा स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। अब चूंकि गैस के एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से गैस के एटम्स दूर दूर पड़े होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से गैस के एटम्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। अब जब इन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया तो ये ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे और एक दूसरे से और ज्यादा दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपकी गैस का जो साइज है ओवरऑल वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी गैस ओवरऑल एक्सपेंड होती हुई आपको नजर आएगी। और इस तरह से यहाँ आपको गुब्बारे का जो साइज है वो बड़ा होता हुआ नजर आया, यानी एक्सपेंशन नजर आई, जो कि शो कर रही है कि जब आपने हीट प्रोवाइड की तो गैस ने एक्सपेंड किया। अब सेकेंड एक्टिविटी थी कि आपका जो केक है वो कैसे राइज होता है, केक कैसे एक्सपेंड करता है। स्टूडेंट्स, केक बनता है बाय यूजिंग बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा से जब हम डो तैयार करते हैं तो वहां फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, और जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं डो को केक बनाने के लिए, केक बनाने के लिए हम डो को बेक करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह से वहां मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सपेंड करती है और इस तरह से आपका जो केक बनता है वो आपको एक्सपेंड हुआ हुआ नजर आता है, उस वो राइज हुआ हुआ नजर आता है, फूला हुआ नजर आता है। सो दिस एक्टिविटीज शोज दैट गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग।